गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 12:30 बजे से। एक्चुअली आज है गणपति विसर्जन, तो मैं गणपति विसर्जन के लिए रेडी हुई हूँ। और ना हम लोग अभी गणपति विसर्जन के लिए जा रहे हैं बाहर, तो मैं चल रही हूँ नीचे। और मैंने आज ना कुछ प्रसाद ज्यादा बनाया नहीं, क्योंकि चलिए तैयारी करिए, मैं दिखा देती हूँ आपको क्या तैयारी की है। तो आ जाइए, चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको क्या तैयारी की है। आओ बेटा दिखाते हैं। तक चश्मा मांग रहा था, पहले चश्मा दे देती हूँ। लो बेटा ये ले लो, ये तो ले लो। कुछ नहीं, लास्ट डे है गणपति का, तो आज अच्छे से गणपति जी को भेजते हैं, विसर्जन करते हैं उनका। तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया, दिल की संतुष्टि के लिए, अपनी खुशी के लिए करनी पड़ती है। तो जहाँ अपनी खुशी हो वहाँ पे आप कितने भी थके रहे हो ना, तो आपका मन कर जाता है कुछ ना कुछ करने का। तो बस वही बोल रही थी मैं आपसे। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है, फेस पे कोई क्रीम नहीं लगाई है। तो चलिए चलते हैं नीचे। और मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रसाद नहीं बनाया था आज, बस मैंने ये बना लिया था आज, जो वो होते हैं ना, जैसे जो पापड़ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के, तो मैं वही लेकर आ गई थी। और वही मैंने गणपति जी को सोचा आज वो चढ़ा दूंगी, और प्रसाद में कुछ ले लूँगी नीचे से खरीद कर, तो वो मीठे में वो चढ़ा दूंगी। नहीं बोलती ज़्यादा, अपने आपको प्रेजेंट नहीं करती हूँ कि मैंने ये किया वो किया, आज कुछ भी नहीं किया मैंने। तो बस मैंने वो क्या कहते हैं, मैंने प्रसाद में जो अपना क्या कहते हैं मीठे में, मैं नीचे से कुछ प्रसाद ले लूंगी। और यहाँ पे तक्ष भी रेडी हो गया है। अच्छा लगा, छोटे से प्यारे से गणपति जी भी तो बच्चे की तरह ही हैं। तो ये बनाया था मैंने उनके लिए आज, ये सुबह सुबह मैंने तल लिया था और ये रख लिया था। और ये प्लास्टिक में रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसे गरम गरम रखा है, पहले मैंने इसे तला और ठंडा करने के बाद इसके अंदर रखा है। तो प्लीज़ आप गलत मत सोचिएगा। तो बस ये लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे पास इतना बड़ा कोई बर्तन नहीं था जिसमें इसका इतना सारा मैं लेकर जा पाऊँ, तो मैंने इसलिए डब्बे में डाल दिया है। तो चलिए चलते हैं नीचे, और तक्ष आ जाओ, रेडी हो गए दिखाओ। बहुत ही सुंदर सा रेडी हो गया, आप देख सकते हैं अच्छे से, बड़ा प्यारा सा लग रहा है तक्ष, गुड गुड बॉय लग रहा है तक्ष। कैसे लग रहे हो वालों को? तो यहाँ तक्ष भी रेडी हो गया है। और तक्ष आज जाइए, कल बच्चों को बहुत शौक है आगे से बाल उठाकर कंघी करने का, तो तक्ष भी कह रहा है मम्मी मेरा कर दो। तो मैंने थोड़ा बहुत उसका कर दिया है, हाथ से ही कर दिया है, क्योंकि हम इसे वैक्स, तो वैसे हम जो बालों में स्प्रे लगाते हैं वो तो लगा नहीं सकते, छोटा बच्चा है, और लगाना भी नहीं चाहिए। कई लोग फैशन में अपने बच्चे को लगा देते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं लगाना चाहिए अभी से ही। अभी बच्चों को जितना हो सके ऑयलिंग करिए बालों में, और केमिकल से बना हुआ हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए, और बच्चे के हेयर टूट जाते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आगे आ जाती है इतनी छोटी सी एज में आप करेंगे तो। और यहाँ मैंने वियर किया है ये सूट, आपने देखा होगा जिस दिन मैं फर्स्ट डे आई थी, तो यही सूट पहना था मैंने। अभी काफी सारे कपड़े इधर उधर हो रहे हैं, तो मैंने निकाला नहीं है। और इसके साथ ये दुपट्टा वेयर किया है जिसमें भगवान जी के हाथ बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे, फिर मैं मिलती हूँ आपसे, वहाँ पे पूजा पाठ है सब कुछ, उसके बाद ऊपर आके मैं आपसे आराम से बात करूंगी। तो चलिए चलते हैं गाइस। यहाँ पर तक्ष ने जो कपड़े पहने हैं उस पर मैं और तक्ष की फोटो बनी हुई है, यानी कि मेरी और तक्ष की। ये 6 महीने का था जबकि ये टी शर्ट है, और अभी इसको आ रही है, पहले इसको आती नहीं थी, पहले ही मेरी बहन ने बड़ा बना के दिया था। अभी तक गाइस कोई नहीं आया यहाँ पर, और बिल्कुल खाली पड़ा है। मुझे 1 बजे का टाइम दिया था, बट 1 बज गए हैं, कोई एक बंदा भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और मैंने एक्चुअली खाना भी नहीं बनाया है घर में जाकर, मैंने सोचा चलो आकर ही खाना बना लेंगे। और मैं यहाँ पर आकर देख रही हूँ तो बिल्कुल ही, आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा खाली है। इनफैक्ट जो पूजा करते हैं वो भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं चलो आपसे ही बातें कर लेती हूँ, आपसे बातें करने का टाइम मिल गया मुझे। तो चलिए मैं आपको गणपति जी के दर्शन करा देती हूँ बिल्कुल पास से। तो आइए चलिए मिलते हैं गणपति जी से। तो ये रहे मेरे गन्नू महाराज जी। आज मन बहुत दुखी भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज ये चले जाएंगे, और तकलीफ़ तो होती ही है गाइस, क्योंकि इतने प्यार इतनी सारी खुशियां लेकर ये आते हैं। हमने तो रूम रेंट पे मतलब अभी लिया है, और यहाँ पर सीधा इनका त्यौहार आ गया, तो हमने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन अभी ये चले जाएंगे तो दुख भी बहुत हो रहा है। तो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। और यहाँ पर तक्षु कह रहा है मम्मा कोई नहीं आया यहाँ पर, और तक्षु की टी शर्ट पे देख लीजिए, मैं और तक्षु हैं। ये तक्षु 6 मंथ का था तब की फोटो है। फ्रेंड्स मैं यहाँ ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि ना नीचे कोई था ही नहीं, मैं नीचे गई थी कोई भी नीचे नहीं आया अभी तक पूजा के लिए, और मैं सबसे पहले चली गई। और हमेशा ऐसा होता है कि मैं सबसे लेट जाती हूँ, क्योंकि मैं तैयार व्यार होती हूँ अच्छे से, तो फिर मैं लेट जाती हूँ। फिर से चली गई नीचे, बस काजल लगा के और लिपस्टिक लगा के और कंघी नहा के बस अपना शॉवर लेके, तो ना नीचे गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं आया था। वो लोग बोले भाभी आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, मैंने कहा कितने बजे की पूजा है, तो कहने लगे धो लेती हूँ बर्तन और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में गाइस। तो आज तो मजाक ही हो गया, एक बच्चा तक नहीं था नीचे।
तो चलिए ये बर्तन धो लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पर बर्तनों का भंडार रखा हुआ था, मैं छोड़कर चली गई थी। मैंने सोचा था पूजा हो जाएगी उसके बाद आकर मैं आराम से धो लूँगी, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं, तो मैंने सोचा चलो बर्तन ही धो लेते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैं सारे बर्तन धो लूँगी और पूरा किचन क्लीन कर लूँगी। अच्छा ही है, आराम से मेरा सारा काम निपट जाएगा। आकर मुझे सिर्फ खाना बनाना पड़ेगा और पता भी नहीं होता ना कितना टाइम लगेगा वहाँ पर। लोग फिर दोबारा जा रहे हैं गाइस, मैंने बर्तन धोए, पूरी गीली हो गई हूँ मैं। और आए भाई सच में आज बहुत चक्कर लग गए हमारे, नीचे के 2 चक्कर लग चुके हैं, कोई आया ही नहीं था। तो अभी मैं जा रही हूँ गाइस, और फिर अभी करेंगे पूजा, क्योंकि वहाँ पे पूजा शुरू होने वाली है। और मेरे बर्तन भी धुल गए, मैंने बर्तन छोड़ दिए थे। यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं और पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दी है। जो भैया भाभी ने पूजा करवाया था वो जाकर वहाँ बैठ रहे हैं, और फिर पूजा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ मैं भी बैठ गई हूँ, पूजा में बैठी हूँ, काफ़ी पीछे बैठी थी मैं। तो यहाँ पर तक्ष चढ़ा रहा है प्रसाद, तक्ष बोल रहा है मामा मैं भी पूजा करूँगा, मैं भी प्रसाद चढ़ाऊँगा। और मैं अलग से टिफ़िन में कुछ प्रसाद लेके आई थी भगवान जी के लिए, तो वो पंडित जी से कह के मैं चढ़वा दूँगी। तो यहाँ पर बहुत उदासी सी छा गई है, गन्नू महाराज चली चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि बस क्या होने वाला है पता नहीं। तो इसके बाद ना गाइस तक्ष को टीका लगवा दूँगी पंडित जी से बोलकर, और तक्ष टीका लगा लेगा। और पैर छूने के लिए बोलूँगी, तक्ष को आ नहीं रहा था लेकिन फिर भी उसने बाद में पैर छू लिए। और यहाँ पे प्रसाद बांटने जा रहे हैं सभी लोग, और सब थाली लगा रहे थे, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, यहाँ बहुत सारा प्रसाद है। तो बहुत सारा प्रसाद था, प्रसाद बच भी गया था, सबके लिए पूरा हो गया था प्रसाद। और यहाँ तक्ष कर रहा है मस्ती, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे भगवान जी का हाथ जोड़ने, मैंने भी जोड़ लिया है और दर्शन कर लिया है। यहाँ पर को बाहर लेके जा रहे हैं गाइज, ये वक्त है सबसे ज़्यादा उदासी वाला, आप देखिए। यहाँ पर तक्ष भी आ गया है, नाश्ता बाहर, और तक्ष कह रहा है मेरी फ़ोटो लो इन भगवान जी के साथ। तो तक्ष भी आ गया है गाइस। इसके बाद लोग डांस करेंगे, क्या बोलते हैं जो बजाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई, ढोलक बजाने वाले भैया आ जाएंगे, तो उसके बाद सब लोग डांस करेंगे। और तक्ष भी कर रहा था साथ के साथ डांस। ये रहा मेरा तक्ष, थोड़ा सा उदास था तक्ष, कह रहा था मम्मा जी गणपति जी चले गए। मैंने समझाया बेटा वो हर बार जाते हैं और हर साल खुशियां लेकर आते हैं, तो थोड़ा सा वो थोड़ी देर बाद खुश हुआ, आप उसके चेहरे से देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने भी डांस कर लिया गाइस, सभी बोल रहे थे कि करो करो, तो थोड़ा बहुत कर लिया। और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, मैं आगे दिखाती हूँ आपको आगे क्या हुआ, थोड़ा ही डांस किया था मैंने। डांस कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे दोनों आपस में, कौन तेज डांस कर पाएगा, काफ़ी लोग हंस रहे थे, मैंने भी वीडियो बना ली। और यहाँ पर मैं आपको तक्ष दिखा रही हूँ, सब लोग इधर खड़े होकर डांस कर रहे हैं, तक्ष एकदम ही हट के डांस करता है, बिल्कुल अलग गया है, एकदम किनारे पे कोने पे खड़ा होकर डांस कर रहा है। तो मैं तक्ष को भी दिखा देती हूँ आपको। और यहाँ पर सभी लोग इंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद तक्ष देखिए कितनी दूर गया है डांस करने के लिए, बिल्कुल सामने, मतलब अलग ही हट जाता है, सब लोग अलग और ये अलग। तो गाइज़ मैं घर पर आ गई हूँ, और घर पर भी मैंने कर लिया पूजा, अभी मैंने जोत जलाई थी घर पे भी, और अभी जस्ट घर के ऊपर आई हूँ, बहुत थक गई हूँ गाइज़, बहुत डांस किया मैंने, जी भर के डांस किया, और बार बार गणपति जी को बोला अगली बार भी आना और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आना गणपति जी। तो क्या ना, हम आज 12 बजे से नीचे हैं, और अभी का टाइम अगर आप देख सकते हैं, तो अभी मैं आपको उस साइड का दिखा देती हूँ, बाहर की साइड का। अब बाहर यहाँ पर है प्रसाद जो हमें मिला था, नारियल छोले हलवा, थोड़ा बहुत प्रसाद मिलता है, आपको पता है प्रसाद जितना बटे उतना अच्छा होता है। मेरे पास ना गणपति विसर्जन की कोई वीडियो नहीं थी, क्योंकि हम लोग आगे नहीं गए थे, लड़के लोग ही गए थे। पर यहाँ पर मेरी सिस्टर है जो हिमाचल में रहती है, तो उसने गणपति विसर्जन किया था, तो मैंने सोचा चलो उसी के दर्शन में आपको करा दूँ, क्योंकि मैंने नहीं करा तो क्या हुआ, हम लोग नहीं जा पाए तो क्या हुआ, मैं अपनी फैमिली का आपको दिखा दूँ
सकती ही हूँ ना। तो यहाँ पे हो रही है गणपति विसर्जन, ये लोग होली रंग सब खेल रहे थे, अच्छे से मनाया था इन लोगों ने गणपति विसर्जन का त्यौहार। और यहाँ पे गणपति जी अब जाएंगे और मेरी सिस्टर का जो मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है ना वही लेकर जाएंगे गणपति जी को उठाकर। तो आप भी बोल लीजिए मेरे साथ, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गाइस सीरियसली जब भी गणपति जी आते हैं तो बहुत सारी खुशियां लेकर आते हैं। लिया था और फिर अभी वो लेकर जा रहे हैं गणपति जी को, बिल्कुल बीच में लेकर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ईजली नदियाँ वगैरह बहुत सारी है हिमाचल में, तो आपको पता ही है, तो आसान रहता है गणपति विसर्जन करना। तो यहाँ पर वो लोग पहुँच गए हैं, आप लोग मौसम देखिए कितना अच्छा है। वो बोल रही थी बहुत ही अच्छा मौसम था किरण। तो यहाँ पर आप सभी के सामने गणपति विसर्जन किया जाएगा, आप लोग भी देख सकते हैं। और चलिए आप भी इंजॉय कीजिए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो डुबोना होता है, मतलब तीन बार उनको अंदर लेकर जाना होता है। तो यहाँ तीन बार वो लोग कर लेंगे, तीन बार या पांच बार जैसा भी आपकी इच्छा हो, तीन बार लेकिन करना ही होता है। तो यहाँ पर वो कर लेंगे और उसके बाद भगवान जी का हाथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ विसर्जन हो गई है गाइज, और बस अब थोड़े से दुखी हो गए हैं सभी लोग, हम भी दुखी हो गए हैं। तो आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए और फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में अपने घर पर। ये तो ऐसा कुछ नहीं है, जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो शिफ्टिंग में कम से कम 5-6 दिन लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे भी आप सामान लाते हैं। और दूसरी बात ये कि आप जब शिफ्टिंग कर रहे हो, उस वक्त कोई त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल हो, तो फिर आप शिफ्टिंग छोड़ देते हैं, अपने फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। मैं बिल्कुल वैसे ही इंसान हूँ कि सारी चीज़ें धीरे धीरे होती रहेंगी, सारे फेस्टिवल एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि फेस्टिवल साल में एक ही बार आते हैं और बहुत सारी खुशियां लेकर आते हैं आपके घर में, आपके जीवन में, आपके मन में। और ना मेरी मम्मी एक चीज़ बोलती थी, शायद सबको ही पता होगा, मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि बेटा मन चंगा तो कसौटी में गंगा। मतलब आपका घर इतना, आप कितना भी क्लीन कर लो लेकिन आपका मन ही क्लीन नहीं है, आपका मन ही खराब है, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का ना। तो अपने मन को ठीक रखो, और दूसरा कोई भी फेस्टिवल आता है पहले उसको एंजॉय करो। और शिफ्टिंग तो चलती रहेगी गाइस, धीरे धीरे आप लोगों के साथ, आप लोग मेरे साथ रहिए, प्यार दीजिए बहुत सारा अपना, और आप लोगों से बात करती रहूं, मेरा मन, मतलब मेरे जीवन में ये चीज़ें भर जाएं कि आप लोग हमेशा मुझे सुनते रहे, मैं आप लोगों से बात करती रहूं। और पता है कई बार ना मैं व्लॉगिंग करते करते सोचती हूं कि पता नहीं मेरी व्लॉगिंग लोगों को अच्छी लगेगी नहीं, मैं क्या बोल रही हूं क्या नहीं बोल रही। जब मैं बोलना शुरू करती हूं ना गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने आप सभी लोग बैठे हो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, अभी थोड़ा सा मेरा फैमिली है, इतनी सी फैमिली है मेरी, मुझे इतनी बड़ी फैमिली चाहिए अपनी। तो अगर किस्मत ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया, तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर मैं बहुत सारे लोगों से बात करूंगी आपको। तो ये है ब्राउन राइस, देख सकते हो। तो गाइस ब्राउन राइस की खिचड़ी अगर आप बनाते हैं ना, तो आपको ब्राउन राइस को 2-3 घंटे पहले भिगोना पड़ता है। तो मैंने इसको भिगो दिया था और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। 2-3 घंटे तो नहीं भिगोया गाइस, कहाँ टाइम मिला, मैं अभी तो आई हूँ, आपको पता ही है, 1 घंटा रेस्ट किया, तक्ष को भी सुला दिया, और अब मतलब फिर भी 1 घंटा हो गया है। और मैं चेक भी कर लेती हूँ कई बार कि चावल आराम से टूट जाए, तो समझिए दिस इज परफेक्ट फॉर खिचड़ी। नाउ हम चलते हैं खिचड़ी बनाने के लिए। तो मैं बनाती हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ कुकर में चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने भिगो के रखा था। इसके बाद मैं मूंग दाल ऐड करूंगी, ये मैं मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई और भी दाल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब मैं नमक ऐड करूंगी। खिचड़ी की रेसिपी दिखाना थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बना रही हूँ तो दिखा देती हूँ, वैसे सभी को ही आता है। मसाले ऐड कर लूँगी, नमक हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी, पानी भी ऐड कर दिया है मैंने। जब भी आप ऐसा खिचड़ी या दाल बनाते हैं तो आप सरसों का तेल ऐड कर दें, बट मैं खिचड़ी बना रही हूँ थोड़ी हेल्दी के लिए, ऑलिव ऑयल डाल दिया है मैंने इसमें। थोड़ा साबुत जीरा डाला है और साबुत ही मैंने इसमें लहसुन डाला है। कभी भी आप ऐसे बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है गाइस। अब सीटी आने तक का मैं वेट करूंगी। यहाँ पर मेरा तक्ष हो रहा है।
यहाँ पर मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ और बहुत ज्यादा लेट हो गई है, रात हो गई है काफी और व्लॉगिंग भी बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो का एंड कर देती हूँ। आप विश्वास मानिएगा जो वीडियो की अपलोडिंग होती है वो एक डेढ़ घंटे की होती है और उसको मैं कन्वर्ट करते करते 17-18 मिनट की। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा मुझे। वीडियो का एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ कल आपसे नए व्लॉग पे नए वीडियो के साथ नए आइडिया के साथ। तो थैंक यू गाइज, टिल देन बाय बाय।